एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 कर्व द सरफेस एरिया इज गिवन रेडियस इज गिवन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फाइव सर्कुलर सिलेंडर कर्व द सरफेस एरिया इज गिवन देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कर्व द सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच पुट द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट वन मीटर देखो डन सिक्स्थ क्वेश्चन डन मगन डन पीछे ये गर्ल्स एनी डाउट सेवेंथ क्वेश्चन इज द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मैंने आपको कल बताया था पाइप का जो एग्जाम्पल होता है या वेल का जो क्वेश्चन होता है सेम होते हैं कौन सा केस होता है वो हॉलो सिलेंडर का कौन सा केस होता है हॉलो सिलेंडर का मतलब डबल सिलेंडर होता है एक अंदर सिलेंडर बनता है और एक बाहर बनता है ठीक है तो वेल वाला जो केस है ये भी सेम है सेवंथ क्वेश्चन ये भी सेम है ये देखो इधर इनर डायमीटर दे रखा है रेडियस क्या आ जाएगा 3.5/2 कटिंग कर लो डेसिमल में नहीं लेते फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना 7/4 रेडियस आ गया 7/4 मीटर ये इनर वाले का रेडियस है अब आपको कहता है नेक्स्ट इफ द रेडियस इट इज 10 मीटर डीप ऋषिकेश 10 मीटर क्या है ये नहीं क्लियर हुआ आपको कटिंग की है 5 से ये डायमीटर था डायमीटर का हाफ कर दिया तो उसे डिवाइड करके रेडियस आ गया डेसिमल हटा के जीरो लग गया 5 7 35 5 4 20 ये आ गया रेडियस डीप दे रखा है डीप हाइट हाइट इज रेडियस गिवन है हाइट गिवन है फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यस परमीत फॉर्मूला बोलो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हाँ जी 2πRh कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRh अगर ये आपको आउटर कहता तो आपको आउटर रेडियस चाहिए था ठीक है यहाँ इनर है तो बस फाइंड कर लो वैल्यूज पुट करो 2 × 22/7 रेडियस इज 7/4 एंड हाइट इज 10 ये कैंसिल आंसर इज 110 मीटर स्क्वेयर ये आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट 40 rupees पर मीटर स्क्वेयर हाँ जी कॉस्ट निकालनी है जसप्रीत क्या करेंगे किससे 110 मीटर को कितनी दी हुई है कॉस्ट 110 × 40 कितना आएगा 4400 rupees क्लियर चलो एनी डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट करना है ये आपने इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम ये क्या है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम गीजर या रॉड भी होती है ना रॉड इसे बकेट में लगा के जिससे पानी गर्म करते हैं जो गीजर होता है ना उसके अंदर भी वो रॉड ही होती है गीजर जो होता है वो बकेट होती है उसके अंदर रॉड जो है ऑलरेडी फिक्स होती है और एक रॉड सेपरेट भी आती है ठीक है
अब जो उसमें वाटर हीटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो उसका बाहर वाला सरफेस होता है ना, ऐसे राउंड वाला जो बाहर वाला पोर्शन होता है, उससे पानी हॉट किया जाता है। ठीक है, तो बाहर वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ आई? तो इसमें जो रॉड है वो कर्व्ड सरफेस एरिया से आपको उसको वाटर को हीट करने के लिए हेल्प करती है। तो आपने यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। जसलीन, ये 28 मीटर क्या है? हाइट, डायमीटर इज 5, तो रेडियस क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट, पॉइंट में नहीं लेना, क्या लेंगे? 5/2। चलो चार भी सॉल्व करो। रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, सॉल्व करो, फाइंड करो कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट कर लो। कर लो जसप्रीत, सारी बात आज ही कर लो, मुझसे पूछो, मैं इसलिए यहाँ पे ही हूँ ना। रेडियस 5/2, कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों चीजें मीटर में है, यूनिट की आपने ध्यान दी, हाइट को सेंटीमीटर में कर दो, डायमीटर सेंटीमीटर में है, रेडियस की सेंटीमीटर में है। ठीक करो, हाइट को चेंज करो। करो करो, क्या हुआ? मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करो, 2800 हो गए, 2800 सेंटीमीटर। जिसमें मर्जी कर सकते हो। आंसर यू कैन लीव इट इन सेंटीमीटर और यू कैन चेंज इट टू मीटर आल्सो। अगर मीटर करते हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 into 100, 10,000 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 4.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 इज द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, 4.5 मीटर हाइट। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस एंड हाइट इज गिवन। इजी है, डायरेक्ट ही है, करो सॉल्व। करोगे आप सॉल्व? जयदेव आ जाओ, सेकेंड पार्ट करवाते हैं, आप करो तब तक फर्स्ट वाला।
तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, फर्स्ट पार्ट करने दो, ये क्लीन कर दो बच्चे इधर वाला। रेडियस एंड हाइट इज गिवन, मेक श्योर दैट बोथ द टर्म्स हैव द सेम यूनिट, अदरवाइज चेंज द यूनिट टोटल। हाँ जी क्लोज होता है लेकिन अभी लेटरल कह रहा है तो आप लेटरल निकालो। रेडियस इज 4.2, डायमीटर 4.2, रेडियस आ जाएगा 4.2 अपॉन 2, कटिंग करके डेसिमल डेसिमल हटा के जीरो लगाओ, कटिंग करो, थोड़ा सही से लिखो बच्चे, जो स्क्रीन पे है उन्होंने नोट भी तो करना है। आप सब अपने आप सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट डन, 4.0। हाँ अब आपको नेक्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया चाहिए, आप तब तक टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो कर्व्ड यू हैव ऑलरेडी गॉट, अब आप एरिया ऑफ टॉप और बॉटम निकाल के सेपरेटली एड कर दो, निकालो। वन बाय ट्वेल्व से नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, 11/12 के साथ सॉल्व करना। थोड़ा साइड होके लिखो बेटा, कटिंग मत करो, कटिंग मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मैंने पहले भी बताया है। हाँ कर दो, क्या हुआ राघव, वन थर्टी टू, किधर यहाँ फाइव आएगा, मीटर स्क्वेयर। चलो जाओ मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, जाओ। हाँ जी देखो इधर, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया 59.40 मीटर स्क्वायर। शॉर्ट अंदर करके आओ, पहले जाओ ये आपके पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि जो टैंक है स्टोरेज टैंक, उसको फॉर्म करने में जितना भी स्टील यूज हुआ है, जितना भी मटेरियल यूज हुआ है, उसमें से मतलब पहली बात तो ये, जितना आप मटेरियल परचेज करके लाते हो वो सारा तो यूज हो नहीं जाता। सपोज आप शीट लेकर आए हो परचेज करके, अब आप इसको रैप करोगे, उसके बाद एक शीट और लोगे जिसमें से सर्कुलर टॉप और बॉटम कट करोगे, सिलेंडर को क्लोज करने के लिए एक सर्कल ऊपर से अटैच करोगे एक नीचे से, और ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगी। ये सारा क्या है, वेस्टेज। और ये जो वेस्टेज है ना वो 1/12 है, किसकी,
ऑफ द टोटल मटेरियल। टोटल मटेरियल मतलब ये दोनों शीट जो आपने परचेज किए। अब हो सकते हैं शीट टू की जगह एक वन बड़ी शीट हो, उनमें से सर्कल भी कट हो गए हो, ये भी कट हो गए हो, मतलब इसी में से ही सिलेंडर बन गया हो और इसी में से सर्कल बन गए हो, तब भी तो वेस्टेज हो रही है। तो आपने क्या करना है, जितना भी मटेरियल परचेज किया उसको एक्स सपोज कर लेना है। जितना मटेरियल आपने परचेज किया उसे एक्स सपोज करना है, उसमें से जो एक्स बाय 12 है दैट इज द वेस्टेज। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग है कि इस टैंक को फॉर्म करने में जो टॉप और बॉटम विद कर्व्ड सरफेस एरिया जितना भी मटेरियल यूज हुआ है पहले आपने वो निकालना है। एक्चुअली टैंक क्लोज है ना, तो क्लोज्ड टैंक में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और बॉटम वो आप ले लोगे। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, मीन्स ये हो गया। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया एंड वी हैव टू सर्कल, टू पाई आर स्क्वायर। इसे फाइंड कर लो यहां से, टू इंटू 22 बाय 7 एंड रेडियस इज, रेडियस कितना है 2.1, 2.1 इंटू 2.1। इसे सॉल्व कर लो, इसकी कटिंग करके 0.3 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस है 59.40 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लो 44 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लो 63। ठीक है, ये 0.63 मल्टीप्लाई कर लो, इसे क्या आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आ रहा है, 0.172 है, यार 87.12 वो भी आंसर आई, तो मैंने निकाला ही नहीं, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया सेकंड पार्ट। अभी हमने टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि जितना मटेरियल है उसमें से आपने एक टैंक फॉर्म किया है और जो टैंक फॉर्म होता है उसमें टोटल सरफेस एरिया यूज होता है। तो लेट द मटेरियल यूज, लेट द टोटल मटेरियल बी एक्स, ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये सेकेंड का पार्ट ही है सारा ही। लेट टोटल मटेरियल बी एक्स, अब एक्स में से जो वेस्टेज है, वेस्टेज कितनी है 1/12 ऑफ एक्स, 1/12 किसका, जो मटेरियल लाए हो उसी का ही वेस्टेज हुई है, इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। इज इट ओके, हाउ यू विल सॉल्व, यस स्टॉप राइटिंग, इसका एलसीएम लेंगे 12x माइनस 1x अपॉन 12, 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12, x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12/11 एंड द आंसर इज, इसकी कटिंग कर लो, इसका मतलब आपने मटेरियल जो परचेज किया था वो 95.04 मीटर स्क्वेयर था, लेकिन जो आपका टैंक बना है वो 87.12 से बना है, तो वेस्टेज कितनी हुई है, माइनस करके ये मटेरियल परचेज किया था मार्केट से, इसमें पूरा टैंक फ्रेम हो गया और जो मटेरियल है इसमें से इसे माइनस कर दो, दैट इज योर वेस्टेज, जो शीट वेस्ट गई है उसका एरिया। ठीक है, वैसे
फ्रैक्शन की लैंग्वेज में देखें तो वो 1/12 है, लेकिन आप मीटर स्क्वेयर में भी फाइंड कर सकते हो, तो इसमें से इसे माइनस कर लोगे, दैट विल बी योर टोटल वेस्ट। ठीक है, क्या बी पार्ट में ना आपको कहता है, दिया हुआ क्वेश्चन में कहते हैं 1/12 जो है ना वो वेस्ट गया है, अपने आप नहीं लिया, क्वेश्चन में दिया। जितनी भी मटेरियल परचेज किया था वो एक्स था, कटिंग करने के बाद सर्कल दो कट कर लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया, ये वेस्ट हो गया, ये बच गया मटेरियल जो आप स्क्रैप में फेंक देते हैं, तो टोटल में से ये माइनस कर दिया। टोटल में से अगर ये माइनस करते हो तो ये वाला एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली जो वेस्टेज है वो देखो ना, ये शीट है, इसमें से जो टैंक बनाया ना आपने, टैंक का कौन सा पार्ट है, एक ये वाला और ये दो सर्कल। अब पूरे एक्स में से अगर आप ये वेस्टेज वाला हटा दो तो सिर्फ टैंक का मटेरियल ही तो आ जाएगा, तो ये टैंक का मटेरियल टोटल सरफेस एरिया, इसके साथ इक्वेट कर दिया एक्स आ गया, तो टोटल मटेरियल परचेज जो था वो ये था। कौन सा? ये टोटल मटेरियल है। कहता है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, मतलब यूज कहाँ से स्टार्ट की थी, यहां से स्टार्ट की थी, इतना यूज हो गया और बाकी वेस्टेज हो गई। ठीक है, तो ये नहीं निकालना, वेस्टेज तो पूछा ही नहीं आपसे, ये पूछा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, मतलब कितना स्टील यूज हुआ है, इतना यूज हुआ है लेकिन परचेज इतना किया था, तो ये आंसर है। माइनस कर देते हैं, हाँ हाँ वो कटिंग करके आ रहा है ना उसमें। डन, क्लियर? हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम को माइनस कर दो, कर्व्ड आ जाएगा। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बहुत नींद आ रही है क्या, मैं लोरी गा रही हूँ? कितनी कितनी बार आप यॉर्निंग कर रहे हो, मैंने आपको खुद देखा है। इन द फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ द लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ, द फ्रेम has a base diameter 20 centimeter. Lamp है ना जो, उसमें अंदर light होती है, lamp के ऊपर एक cloth से cover किया, decorative cloth से, और कहता है जो lamp shade है उसका diameter जो है base का वो 20 centimeter given है। Diameter is 20 centimeter, तो radius कितना आ जाएगा, 10 centimeter. And the height is 30 centimeter. Height is 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom. मतलब कि क्लोथ जो है, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, वो जो क्वेश्चन किया था स्वीट शॉप वाला, जिसमें दो टाइप के बॉक्सेस बनाए थे, एक्स्ट्रा मार्जिन वाला, सेम वैसे ही है। कहता है क्लोथ के ऊपर से भी मार्जिन लीव करना है, नीचे से भी, सो दैट वी कैन फोल्ड द क्लोथ। Find how much cloth is required for covering the lampshade. ये जैसे suppose ये lampshade है इस तरह से, ऐसे ये outer portion आपको नजर आ रहा है, जितना material इसकी height है वो तो 30 है, लेकिन 2.5 ऊपर से extra छोड़ना है, 2.5 नीचे से extra छोड़ना है, so that we can fold. तो total height कितनी हो गई, 35. Total height is 35 सेंटीमीटर, 2.5 + 2.5 = 5, तो 30 + 5 = 35, 35 आ गई टोटल हाइट। आपको कहते हैं फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। अब लैम्प शेड जो है, इज इट कवर्ड फ्रॉम द टॉप, इज इट कवर्ड फ्रॉम द बॉटम, व्हाई? लाइट कैसे पास होगी अगर कवर कर देंगे तो टॉप से भी एम्प्टी है और बॉटम से भी एम्प्टी है।
सिर्फ आउटर एरिया है। जसप्रीत क्या फाइंड करेंगे, कौन सा कर्व सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh क्या होता है? एवरीथिंग इज गिवन, रेडियस इज गिवन, हाइट इज गिवन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2πRh। हाँ जी, ये हाइट थी ना लैम्प शेड की, उसमें 2.5 एक्स्ट्रा ऊपर से मार्जिन लीव करना है, नीचे से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल हाइट होगी 35। ठीक है, फाइंड द कर्व, टोटल हाइट लिखनी है, कर दो प्राची है, करो सॉल्व सर्फेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वर्बली करो डिवाइड, यहाँ 35 लिखना है बच्चे, करो कटिंग, करो ऊपर कटिंग हो रही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। The students of a vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating the pen holder in the shape of the cylinder with the base using cardboard. A pen holder hai, that is in the form of cylinder. A pen hold karni hai, so it will be, is it covered from the base or from top? क्योंकि यहां से एम्प्टी होगा तभी विल पुट द पेन। ठीक है, तो ऊपर से एम्प्टी है, नीचे से कवर्ड है। ठीक है, तो जगनूर कौन सा एरिया फाइंड करेंगे इसमें, कौन सा मटेरियल जितना यूज हो रहा है उसका क्या फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। जप्रीत आवाज बोलो। हां जी अर्णव, मुंह से बोलो। कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा पता ही नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, कब? नेक्स्ट ईयर आएंगे ये सब एग्जाम, अभी होने, पता भी नहीं चलना कब आ जाएंगे एग्जाम। क्या क्या गिवन है इसमें? रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 10.5, बाकी बाद में देखते हैं, पहले आप एक का एरिया निकालो। कहता है 35 पेन होल्डर फ्रेम की है, आपने पहले एक का सर्फ एरिया निकालना है। इज इट टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया? पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर से तो कवर ही नहीं है ना, तो पेन होल्डर के केस में ये टोटल सरफेस एरिया है। और अगर आप सिर्फ कर्व्ड लिखते हो तो फिर आप बेस नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप सीधा लिख लो सरफेस एरिया, नहीं आपको समझ आता एरिया लिखो, कौन सा लिखना है? मैंने आपको बोला पर्टिकुलरली अगर आपको नहीं समझ आ रहा कर्व्ड लिखे या टोटल, आप सरफेस एरिया लिखो। सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर
मतलब आपको नहीं पता चल रहा ना कि कर्व्ड लिखेंगे तो आप बेस नहीं ले सकते, टोटल आपको लग रहा है तो ऊपर वाला नहीं है, तो आप सीधा कर्व सरफेस एरिया लिखो, दैट इज 2πRh + πR2। कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, क्या बचेगा जरूर, क्या बचेगा आफ्टर टेकिंग पाई आर कॉमन, 2 × h + r, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 3, हाइट इज 10.5 + 3, मल्टीप्लाई कर लो इसे, सिट डाउन मल्टीप्लाई कर लो इसे, ये हो गया 21 + 3, नॉट पॉसिबल, कटिंग पॉसिबल नहीं है ना, डेसिमल में आ जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, ये एक पेन होल्डर का एरिया आ गया, आप मत फाइंड करो उसको, ऐसे ही छोड़ दो, हमने कितने पेन होल्डर फाइंड करने हैं, 35 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो अगले में, एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर, एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स 22/7 × 3 × मल्टीप्लाई कर लो 7920।